कम से कम समाजवादी पार्टी के एक फैसले से जो वो अपमानित होते फिर रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान मिला। सोमवार को उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की दो सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए SBSP प्रमुख ओम प्रकाश राजभर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के साथ वोट डालने क्या पहुंच गए कि सूबे के सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई। ओम प्रकाश राजभर के साथ वोट डालने पहुंचने के सवाल पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने जवाब देते हुए कहा कि राजभर जी हमारे मित्र हैं और हमारी मित्र मंडली बहुत लंबी है, जब नतीजे आएंगे तब पता चल जाएगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है और मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, मित्र मंडली लंबी है और लोकतंत्र में मित्रों का हमेशा सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी करती रही। सहयोग के साथ सम्मान भी मिलेगा। अवश्य। उधर राजभर ने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला मगर मीडिया से बात करने के बाद डिप्टी CM की कार में सवार होने से पहले ये कहकर बैठ गए कि चाय पीने जा रहे हैं। पार्टी विधायकों ने उठाया, एक वाले की तैयारी में है जेल में वो डलवाने के लिए। अब चाय पीने जा रहे हैं, अब चाय पी के तब उधर चलिए चलिए मंत्री जी गाड़ी में बैठ जाइए। OP राजभर की BJP से नजदीकियां बढ़े और अखिलेश यादव का कुछ बयान न आए ऐसा कैसे हो सकता है। OP राजभर पर तंज कसते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक फैसले से उन्हें थोड़ा सा सम्मान मिला, इससे पहले वो अपमानित होते रहे थे। कम से कम समाजवादी पार्टी के एक फैसले से जो वो अपमानित होते फिर रहे थे उन्हें थोड़ा बहुत सम्मान मिला। हम यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़े और दलितों की बात कर रही है तो उनका हक और सम्मान दे दे। केवल गाड़ी में बैठने से सम्मान क्या मिलेगा? क्या नौकरी मिल जाएगी पिछड़ों को? क्या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाएगा? क्या आउटसोर्स खत्म हो जाएगा गाड़ी में कोई नेता बैठ जाए? क्या आप एक पिछड़े को गाड़ी में बैठा करके ले जा रहे हो, क्या उससे लेटरल एंट्री खत्म हो जाएगी? आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे थे, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घिर रहे थे। BJP से नाराजगी तो उनकी कुछ इस कदर दिखाई दे रही थी कि वो विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की नसीहत दे रहे थे और खुद भी उस मंच को साझा करने की बात कह रहे थे। लेकिन विधान परिषद की दो सीटों पर हो रही वोटिंग के दौरान ब्रजेश पाठक के साथ सामने आई तस्वीर ने सूबे की सियासी हवा में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।